जी राम राम सारे ने स्वागत है आप सबका अपने को नए व्लॉग में। दिस इज़ लव डुगु व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया। तो आज है 26 जनवरी। सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे सभी ने, भाई गणतंत्र दिवस के सभी ने हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद। तो आज इस शुभ उपलक्ष्य में मतलब बढ़िया से दिन पर हम जान लग रहे हैं श्री श्याम मंदिर में, खाटू श्याम मतलब जो चुलकाना धाम पे हैं, और आप सभी ने भी वहाँ पे मिलवाऊंगी मतलब दर्शन करवाऊंगी श्री श्याम बाबा के। तो भाई सब बने रहिए अपने ब्लॉग में एंड तक, और सब ने दर्शन करने हैं ज़रूर क्योंकि मैं कराऊँगी आज। आज दिन भी अच्छा है, धूप भी निकल रही है, और अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सीख लो भाई इन पर ट्रेडिंग, सीख लो, ट्रेडिंग चल रही है फ़ोन पर। लेट करवाना लग रही है ये ट्रेडिंग हमने। तो भाई निकल लिए हम। अपनी शायरी सुनाओ। शायरी बनाई मैंने। हम गए हैं चुलकाना धाम पहुंच, आप लोग इतने की ज्यादा रहे हो तो। चुलकाना धाम पहुंचने के बाद मोहित ने एक शायरी बनाई है। हम गए हैं चुलकाना धाम पहुंच, आप लोग क्यों रहे हो इतना सोच। तो भाई सोचने की जरूरत नहीं है, हम क्योंकि पहुंच चुके हैं। रुको बोलो, जय श्री श्याम। किसा हो यो? लुगु जी पीछे तो आओ, अरे पीछे रहो, देखो डुगु। क्या बोल रहे हो आप बोलो? जय श्री श्याम। चार जन हो रहा होंगे।
रुको पहले, जय करो पहले। अरे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। तो भाई यो है श्याम कुंड। इस टाइम मैंने म्यूट कर दिया था, श्याम कुंड है यहाँ पे। गर्मियों में पानी भर जावे है, जो भी कुछ हुआ है घर वर का डेकर जो कर मन्नत मांगया करें। और यो है वो पेड़ जिसके हर पत्ते में छेद है। इसकी आपने कथा भी सुनी होगी श्री कृष्ण भगवान की, जो बर्बरिक्त श्री कृष्ण भगवान ने कही थी। वो भी वाला पेड़ है कि हर पत्ते में छेद होना चाहिए तेरे एक तीर्थ के साथ। तो वो ये वही वाला पेड़ है। यह मान्यता है कि भाई इस पेड़ पर पिता का बंध है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। पड़ेगी श्री श्याम मंदिर। क्या कर रही है बंदरिया? इसको